Hello people, welcome to Motorite Food and Travel. Hope you are doing good, staying safe and healthy at home. आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 का फोक ऑयल चेंज करना. इट्स वेरी इजी, घर पर ही आप आराम से कर सकते हो. हार्डली आपको कितना 15-20 मिनट लगेगा. मतलब मैकेनिक या फिर सर्विस के लिए वेट करना कोई ज़रूरी नहीं है. एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेबल जब भी आप इंजन ऑयल या फिर क्लच ऑयल चेंज करते हो, उसी टाइम फोक ऑयल भी चेंज करना. इट्स लाइक वेरी एडवाइजेबल. एंड यू कैन सी द लिंक जहाँ पर मैंने इंजन ऑयल चेंज का वीडियो बनाया है. ऑल यू नीड इज़ अपना वो फोक ऑयल चाहिए. एंड यू आइदर नीड अपना गियर ऑयल या फिर इंजन ऑयल, बिकॉज उसका कंसिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है. बस उतना ही. एंड लाइक आई सेड, बस आपको कितना 10-15 मिनट का ही टाइम लगेगा करने के लिए. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो ये रहा बुलेट. चलो एक काम करता हूँ, पहला मैं कैमरा वगैरह के एडजस्ट कर लेता हूँ. ऑल राइट, सो पहले अपने पास बस ये दो स्क्रू ओपन करना है. सो फर्स्ट थिंग, इसको थोड़ा टाइट रहेगा. हाँ, बस ये ओपन कर लो दोनों स्क्रू. लेट्स गिव इट अ ट्राई. इसको ओपन करते हैं अपन पहले. ओके, बस ये ओपन करते समय वो आप नीचे एक ये रख लीजिए, एक वाटी टाइप्स. कुछ ऑयल है ही नहीं इसमें. और अगर मैं ऊपर का ये नट खोल दिया तो वो हवा के वजह से ऑयल भी अटक गया रहेगा वहाँ पर. ओके, ये हो गया इसका. ओके, ये अपना ओरिंग उसके लिए. ओके, चलो इसको भी निकालते हैं. ओके, राइट, ये हो गया अपना ऊपर का स्क्रू. इस साइड का तो ऑयल पूरा अच्छा खासा निकल गया. ओके, अब इस साइड के.
बस इसको 5 मिनट के लिए रख देना ताकि वो पूरा ऑयल ड्रेन हो जाए। तो ये है अपना क्या बोलते हैं इसको एंड्यूरेंस का 4 कॉइल। बट यू नो व्हाट, इसको सिर्फ इसी को नहीं मिक्स करना है। इसका देखा विस्कोसिटी बहुत कम होता है, तो इसको इंजन ऑयल के साथ बाय डिफ़ॉल्ट मिक्स करना ही पड़ेगा। और अपने पास तो पहले से था वो इंजन ऑयल, कौन सा ही है, शेल एडवांस का। और मैंने इंजन ऑयल के ऊपर भी एक वीडियो निकाला है, वो आई आइकॉन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख दिया था यहाँ पर इतना तक। तो अगर आपके पास वो ML, व्हाट यू से, यू नो, मेजरमेंट का कुछ रहा तो इट वुड बी मच बेटर। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं। एक बार अपन अंदर मतलब वो फोक में डाल दिए तो मिक्स बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा। सो ऑयल डालने से पहले इसको अपन पूरा पैक कर देंगे नीचे। अच्छा खासा टाइट कर देना। ओके, ये हो गया टाइट। दूसरी तरफ भी डाल दो। ये भी हो गया टाइट। अब बस इसमें वो ऑयल डाल देना है। तो मैं एक एक्चुअली फनल का यूज़ कर रहा हूँ, इजीली आपको मतलब यहाँ से अंदर चला जाएगा। ये अपना ऑयल, तो ये हो गया अपना 4 कॉइल, ये इंजन ऑयल। एक बार मार्क चेक कर लेते हैं, नहीं और थोड़ा, ओके। ये हो गया दूसरी तरफ। अब अगर आपके पास इंजन ऑयल नहीं है तो यू कैन वो गियर ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये हो गया अपना ऑयल डलवा के। अब अपने को बस ये स्क्रू फिट कर देना है। बस इस दोनों को अच्छे से टाइट कर दो, बस ख़त्म। कितना, 10-15 मिनट का काम। एंड जब भी आप इंजन ऑयल, द मेन थिंग इज़ इंजन ऑयल चेंज करते समय ये क्लच ऑयल तो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज करना ही है, एंड उसी के साथ फोक ऑयल भी चेंज करना, इट्स लाइक वेरी एडवाइजेबल। तो दैट इज़ इट। ओके, दोनों स्क्रू मस्त टाइट हो चुका है। बस इसको एक लेवल में रहना है, ऊपर नीचे नहीं होना है। अगर लेवल में नहीं है तो इट मीन्स
स्क्रू टाइट नहीं है, सेम हियर एकदम मस्त लेवल में। ओके, आई थिंक वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा एंड हार्डली इट टेक्स कितना 10-15 मिनट का काम है, बस ऊपर का स्क्रू थोड़ा टाइट रहेगा, रेस्ट ऑल इट्स बहुत एकदम ईजी है। तो लॉकडाउन में और क्या करना है, इतना बोर होता है घर पे बैठ के वीकेंड्स में, और ये छोटा मोटा काम तो ईजिली मतलब आप खुद घर पर कर सकते हो, रादर देन यू नो मैकेनिक में अगर थोड़ा पैसा वगैरह खर्चा करने से अच्छा। सो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, टिल देन बी सेफ एंड स्टे हेल्थी। चलो बाय।